सो so the दिस इज the ऑफ द मास्टर बेडरूम एंड going टू शो यू guys एवरीथिंग वन by वन सबसे पहले बेड की बात करते हैं और एक बहुत बढ़िया सा आइडिया मैं आपको दूंगी तो ये जो बेड है आप देख सकते हो जो इसका साइड टेबल है ये बेड का ओरिजिनल कलर है ये बहुत पुराना बेड है मेरा वेडिंग बेड है जब हमारी शादी हुई थी तब हमने ये बेड बनवाया था तो अभी क्या करती हूँ मैं विंटर्स में स्पेशली मैं अपने बेड को बहुत ज्यादा लेड रखती हूँ आप देख सकते हो आप स्प्रेड सो मेनी थिंग्स बच आर शो यू बट जो इंटरेस्टिंग बात है वो है इसकी ये बैक तो इनिशियली ये जो बैक थी बेड की ये वुड की थी पूरी और यही वाला कलर था वॉलट कलर लेकिन अभी हमने इस नए घर में शिफ्ट होते टाइम क्या क्या इसमें टफ्टिंग करवा ली तो ये पूरा फॉर्म अच्छे से डलवा के अच्छा सा फैब्रिक लगवा लिया तो आप देख सकते हो बेड का पूरा लुक एब्सोलूटली चेंज हो गया इट्स लुकिंग वेरी स्टाइलिश ऑल्सो एंड ये मतलब एक बहुत आई थिंक अच्छा तरीका है ये जस्ट क्लिक करा मुझे आइडिया कि मैं इस बेड के टफ्टिंग चेंज करा लेती हूँ बिकॉज बेड बहुत अच्छा है स्टडी है आई डेंट वॉन्ट टू गेट द बेड चेंज स जस्ट गॉट द बैक ऑफ द बेड चेंज एंड इट लुक्स लुक्सिंग और जो लैम्प्स हैं मैंने क्या किया आई हैव गॉट दीज दीज आर मोर लाइक रीडिंग लैम्प पूरे फ्लेक्जिबल हैं पूरी तरह से फ्लेक्जिबल हैं और ये इसका प्लग नहीं लगा हुआ है मैं भी लगा देती हूँ तो ये जो है यहाँ से ऑन हो जाता है सो तो एक मेरी साइड है एक हस्बैंड की साइड है सो तो इफ हमें रीड करना है या कोई भी अपना काम करना है और लाइट नहीं चलानी है पूरे रूम की तो वी जस्ट यूज दीज एंड द बेस्ट थिंग इज जैसे मैंने आपको दिखाया फ्लेक्सिबल है आप इसको पूरा ट्विस्ट टर्न कर सकते हो एंड यहीं से ऑपरेट हो जाता है इसमें स्विचेस भी हैं और ये दोनों लैम्प्स को हमने एक ही पॉइंट पे कनेक्ट किया हुआ है वो पीछे जो एकदम हिडन है तारे वारे कुछ भी नहीं दिखती इट लुक्स वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेरी नाइस अब आते हैं बेडिंग पे तो ये है मेरे बड़े क्वेश्चन और ये पिलोस और ये छोटे मोटे क्वेश्चन बड़े क्यूट हैं ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ गाइस बड़ा क्यूट है आई लव बींग माई हस्बेंड वाइफ मुझे ऐसे को मैसेजेस वाले बहुत पसंद हैं वैसे ये क्वेश्चन मैं जान के लाई थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ बिकॉज माई हस्बेंड नेवर नोटेड कि भाई ये क्वेश्चन मैं लाई हूँ कुछ सोच के मुझे बताना पड़ा कि भाई देख लो क्वेश्चन बता दो कैसा है <laughs> तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है और हस्बैंड्स आर नॉट नोटिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स मुझे कमेंट्स में बताना सो so एनीवेज ये जो ब्राउन और ये जो व्हाइट वाला क्वेश्चन है ये मैंने एक स्टोर से लिया है कॉल्ड वाइट्स ऑफ लंडन बहुत अमेजिंग स्टोर है गुड़गांव में है इसकी एक ब्रांच आ, मुझे बहुत पसंद है दो ब्रांचेज हैं इसकी एक है मेगा मॉल में और एक है गलेरिया में और ये जो बीच में आप देख रहे हो ब्लू क्यूट सा फजीसा ये मैंने लिया है डेमोक्रेसी होम से ये भी इनके ब्रांच मेगा मॉल गुड़गांव में है मेरी ज्यादातर चीजें मैं गुड़गांव से ही लेती हूँ अब आते हैं बेडिंग पे तो बिकॉज विंटर्स हैं तो मैंने एक प्यारा सा ब्लैंकेट बिछाया हुआ है नीचे बेडशीट बिछाई हुई है और फिर ये जो है ब्लैंकेट्स बिछाए हैं एक नीचे भी ब्लैंकेट है आप देख सकते हो वो मेरा हस्बैंड का ब्लैंकेट है ये मेरा ब्लैंकेट है और उसके ऊपर मैंने ये फर का एक छोटा सा रग बिछाया हुआ है विच लुक्स रियली नाइस अब आते हैं इस साइड पे ये हमारे रूम में एक छोटे सी सीटिंग एरिया है तो ये सोफे हैं जो हमने बनवाए थे एक ऑब्वियसली वेंडर से और ये सारा डी डेकोर का फैब्रिक है अगर आप लोग अच्छे फैब्रिक्स ढूंढ रहे हो तो आई वुड रिकमेंड डी डेकोर क्योंकि उनके प्रिंट्स बहुत अमेजिंग हैं मुझे बहुत पसंद है तो ये क्यूट से बहुत कंफर्टेबल uh, से सोफे हैं विच वी हैव प्लेस इन अ बेडरूम एंड ये एक टेबल uh, है जिसको हमने यहाँ लगाया हुआ है थोड़ा सा ऊंचा टेबल है बिकॉज सोफे की जो हैंड्स हैं वो भी बहुत ऊंचे हैं सो बी कैप्ट हाई टेबल उसपे एक हमारे प्यारे से बुद्धा जी एक छोटा सा पॉट ये मैंने खाली करके इसमें इम्प्लांट करना है या करवाऊंगी एनीवेज और ये एक सुंदर सा लैम्प है ये मुझे गिफ्ट में मिला था एंड आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुली ये कोऑर्डिनेट कर रहा है सारा अब अगर हम इस साइड आ जाए तो मैंने एक छोटा सा अरेंजमेंट यहाँ किया है कि पोफी है ये मैंने गुड़गांव के सदर बाजार मार्केट से खरीदी थी शॉप मुझे नहीं पता गए बिल्कुल रैंडमली मैं लेन में थी तो मुझे दिख गई मैंने उठा ली एंड मुझे ये बहुत क्यूट लगी और ये मैंने कुछ फ्लावर्स लगाए हुए हैं इस बास्केट में ये बास्केट मैंने अमेजोन से ली है Uh, काफ़ी टाइम पहले से मेरे पास ये पड़ी है और गाइज uh, बास्केट्स में फ्लावर्स और प्लांट्स लगाना इट्स अ ग्रेट आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है uh, बास्केट्स में आप लगा सकते हो और यह है हमारा टी वी यूनिट जो हमने अपने फर्नीचर वेंडर से ही बनवाया है एंड सुंदर सा नेचुरल सा वुड कलर मैंने चूज किया है और uh, इसके ऊपर कुछ 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 छोटे मोटे डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए हैं ये है अरब छोटा सा जब वो प्ले स्कूल में था सो <laughs> क्यूट so ये कुछ पॉट्स हैं ये मैंने होम सेंटर से लिए थे ये मैंने बेरीज प्योर स्टोर से लिए थे ये होम टाउन से लिए थे ग्लासेस ये बुद्धा जी प्योर स्टोर से वो भी प्योर से और ऊपर भी एक छोटा सा शेल्फ है जहाँ मैंने एक फोटो लगा रखी है हमारी और एक कुछ बुक्स हैं और कुछ प्लाज हैं अब आते हैं इस साइड तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो गाय मैंने कुछ आरिका पाम लगाया हुआ है ये एयर प्योरीफायर्स हैं तो मैंने घर के हर रूम में प्लांट्स लगाए हुए हैं जो एयर प्योरीफायर्स हैं और यहाँ पे भी मैंने एक बास्केट में ये रखा है यू गाइस कैन सी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बास्केट में इस तरह से प्लांट्स रखना कई लोगों ने मुझे पूछा था कि आपकी बास्केट गीली नहीं होती है तो आप जो पॉट है उसके नीचे प्लेट रखो एंड देन आप उसको पानी डालो तो प्लेट पे ही पानी जाता है बास्केट खराब नहीं होती है मैं बहुत महीनों से इस तरह से यूज कर रही हूँ और ये कुछ प्लांट्स हैं ये एक ब्लाइंड है ये एक वॉल क्लॉक है और ये क्वेश्चन पता नहीं यहाँ क्यों पड़ा है गलत जगह पे पड़ा है तो ये है मेरे हस्बैंड का वर्क डेस्क तो हमने टीवी से ही मैचिंग वुड का ये देख सकते हो तो आप टन टन एक वर्क डेस्क बनवाया इस पर स्टेनलेस स्टील की लेग्स लगवाए क्योंकि हमारे पास चेयर ये ऑलरेडी थी जिसपे स्टेनलेस स्टील की लेग्स थी तो उससे ही मैचिंग हमने टेबल पे भी लगवा लिया और बिल्कुल सिंपल सा टेबल है कोई जाज नहीं कुछ नहीं दो ड्रॉर्स हैं स्टोरेज के लिए तो मेरे हस्बैंड यहाँ बैठ के अपना ऑफिस का काम करते हैं क्योंकि वो कभी कभी वर्क फ्रॉम होम करते हैं अब उनके डेस्क पे मैंने एक बुद्धा जी रखे हैं ये तीन बेबी कैक्टस रखे हैं ये बहुत ही क्यूट से प्लांटर्स हैं ये भी मैंने द विशिंग चेयर स्टोर से लिए हैं और ये एक उनके लिए छोटा सा पेन स्टैंड है पेन वो भी ऑफिस लेके गए हैं अब दिखाती हूं मैं आपको ये चेयर तो ये चेयर पहले जो थी बिल्कुल अलग किस्म की थी इट वॉज इसपे लेदर आइट था और ऑफ वाइट कलर की थी और ये काफी गंदी भी हो गई थी क्योंकि बहुत ऑफ वाइट कलर लाइट कलर था तो मैंने ये सुंदर सा फैब्रिक लेकर ये मैंने फ्लोर इंड फर्निशिंग से लिया है फैब्रिक इस चेयर पे चढ़वा लिया और ये भी बहुत अमेजिंग आइडिया है आप अपने पुराने चेयर्स को फेंके मत आप उस उसपे फैब्रिक चढ़वा लो आराम से ये कवर बन जाता है ये उतर जाता है ड्राई क्लीन या वॉश हो जाता है और आप खुद ही इसको चढ़ा सकते हो चेयर पे और आप देखो चेयर की क्या अमेजिंग लुक आ जाती है और आपका जो भी रूम में थीम है आप उसके हिसाब से ये चेयर्स बनवा सकते हो और उसमें मैंने एक एक क्वेश्चन रखा हुआ है कुछ कुछ मैचिंग मैचिंग ये है कर्टन्स ये सब कर्टन्स भी डेढ़ के हैं और इनके पीछे एक और हमने लेयर लगा रखी है शेयर कर्टन्स की तो अगर हमें रूम में लाइट चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए तो हम बस ये शेयर कर्टन्स यूज करते हैं और बाकी कर्टन्स को ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ बाहर मेरी बालकनी है जिसका टूर मैं आपको ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ जरूर चेक करेगा अगर आपने नहीं किया है और ये है साइड टेबल्स यहाँ पे एक फोन लगाया हुआ है लैंडलाइन ये पॉट्स हैं दोनों साइड मैंने एक जैसे पॉट्स रखे हैं ये पॉट मैंने लिए थे एक नया स्टोर खुला है गुड़गांव में लॉरा एशले यूके के ब्रांड है बड़े क्यूट से इस पे ये पॉट्स हैं और इसमें मैंने कुछ रोजेस रखे हैं यहाँ मैं ऐड करूंगी और रोजेस मुझे कम लग रहे हैं एंड या वेरी मच सिंपल स्वीट और कोजी uh, सा रूम है मुझे लगता है कि घर की जितना भी इंटीरियर्स करो उसको कोजी वे में करो वॉम्थ होनी चाहिए और जल्दी से मैं आपको अपना मास्टर बेडरूम का बाथरूम भी दिखा देती हूँ कोई इतना फैंसी uh, नहीं है हाँ बड़ा है काफी बड़ा है सो तो ये हमारा बाट uh, है और जकोजी दोनों है इसमें और ये थोड़ी सी मैंने चीजें यहाँ पे सजाई हुई हैं वो शार पैनल है उसका अभी ग्लास पैनल बनना बाकी है वो हम बनवाएंगे और ये हमारा ड्रेसिंग मतलब वैनिटी कह लो ये मेरी साइड है ये मेरी आयरनिंग मशीन यहाँ पड़ी हुई है उस पे मैंने देखो प्यारी सी प्लेट्स लगा रखे हैं इस साइड पे है हर हर्स गर्ल के लिए और पर अपने कुछ परफ्यूम्स और कुछ और चीजें लगाई हुई हैं और ये है मेरे हस्बैंड की साइड ये सब फालतू का सामान है जो यहाँ नहीं होना चाहिए था सॉरी इस पे है हिज ये दोनों मैंने प्लेट्स ली हैं द डेकोर कार्ट स्टोर से और बस छोटा मोटा डेकोरेशन जनरल थिंग्स एंड देयर मैं हूँ हेलो तो बस ये हो गया हमारा वॉशरूम और यहाँ हमारी पूरी कबज है जो हमने बनवाई थी अपने कार्पेंटर से यहीं पे घर पे आई जस्ट शो यू वाइज ये पूरा कबर्स का रिया है फाइव डोर कब्ज है एंड या वो मेरा लॉन्ड्री बैग है एक डस्टबिन है बस जो नॉर्मल बाथरूम्स में होता है तो ये मास्टर बेडरूम का है मास्टर बाथरूम और ये रहा मेरा बेडरूम आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ आइडियाज भी मिले होंगे जैसे कि आप पुराना बेड नया लुक दे सकते हो पुरानी चेयर्स को नया लुक दे सकते हो विंटर्स में अपने रूम को कोजी कर सकते हो अच्छी सी बेडिंग करके एंड प्लांट्स को आप बास्केट्स में डालिए इट लुक्स रियली नाइस सो आई होप आपको सारी चीजें पसंद आई होंगी गाइज आई है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़ और हो सके तो वीडियो को शेयर करिए और बड़ा सा थब दिखाइए और मैं आपको मिलूँगी बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि एक एथनिक वेयर पे होगी तो जरूर बने रहिएगा आई सी सून टिल देन बाय